दोस्तों एक YouTube क्रिएटर ये चाहता है कि भाई वो अपने कंटेंट से ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है और YouTube पर जो पैसे कमाने का तरीका है वो पहला तरीका तो YouTube मोनेटाइजेशन है लेकिन दूसरा तरीका जो बहुत ही गजब का तरीका है एडसन से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है उस तरीके से वो है ब्रांड प्रमोशन यानी कि यूट्यूब स्पॉन्सरशिप और ये जो स्पॉन्सरशिप का पूरा खेल है आज इस वीडियो में आपको क्लियर क्लियर समझा दूंगा क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा कमाया जा सकता है कितना पैसा हमको डिमांड करना चाहिए तरीका क्या है स्पॉन्सरशिप का किस तरह की स्पॉन्सरशिप हमको मिलती है कैसे ली जाती है सब कुछ बता दूंगा भाई वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑल इटैक दोस्तों यहां पे बात करते हैं स्पॉन्सरशिप होती क्या है तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको दस व्यूज आते हैं मिलेगा सर हमारा चैनल इस तरह का है कि हमको मिलेगा सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि जो स्पॉन्सर करवा रहा है यानी कि जो कंपनी है आपसे अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा रहा है उसका एक ही मकसद होता है कि उसकी जो सेल है वो बढ़ जाए क्योंकि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल हो सकता है जैसे स्टॉक मार्केट की कोई ऐप हो सकती है कोई इन्वेस्टमेंट की कोई भी ऐप हो सकती है या कोई गेमिंग का ऐप हो सकता है यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट कोई वेबसाइट हो सकती है उस पर उसको यूजर चाहिए दूसरा होता है फिजिकल प्रोडक्ट जैसे एक मोबाइल हो सकता है या फिर कोई लैपटॉप हो सकता है या फिर कोई कैमरा हो सकता है कोई और डिवाइस हो सकती है तो फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों तरह में वो ये चाहता है कंपनी के मैं अपना प्रमोशन कराऊं यानी कि क्रिएटर को थोड़ा पैसा देके इसको प्रमोट कराऊं तो उसकी सेल बढ़नी चाहिए सेल का मतलब फिजिकल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने चाहिए डिजिटल तो 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 मुझे ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप खूब मिलेगी अब यहां पे बात आती है कि भाई कम से कम कितना सब्सक्राइबर होना चाहिए जिससे आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है तो ये डिपेंड करता है चैनल टू चैनल चैनल का टॉपिक है बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके पांच मिलियन सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनको एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जिनके पांच हजार सब्सक्राइबर हैं दस हजार सब्सक्राइबर हैं लेकिन स्पॉन्सरशिप मिलती है इवन हर वीडियो स्पॉन्सर होती है चलिए पूरा खेल समझा देता हूं देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई अर्निंग रिलेटेड चैनल है जिसपे आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताते हो आपके दस सब्सक्राइबर भी हैं तो भी आपको छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी

जैसे मान लीजिए वो एक कपड़े सीनने का चैनल है वो कपड़े सीनना सिखाता है कि कपड़े कैसे सीले जाते हैं यानी कि टेलर का चैनल है तो वहां पे उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती क्योंकि उसका चैनल उस तरीके का नहीं है अच्छा मान लीजिए कोई व्लॉगिंग चैनल है उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है लेकिन कम मिलती है थोड़े बहुत इंटीग्रेशन मिल जाते हैं कभी कभी आपको लगता है कि बंदा गोवा का वीडियो बना रहा है और बीच में किसी इन्वेस्टमेंट ऐप का रिव्यू कर रहा है इंटीग्रेशन दो तरह की स्पॉन्सरशिप होती है एक होती है इंटीग्रेशन मेरा वीडियो किसी भी टॉपिक पे हो लेकिन मैं वीडियो के अंदर 30 सेकंड 45 सेकंड लगभग एक मिनट के आसपास उस प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा और दूसरा वीडियो होता है डेडिकेटेड वीडियो एक ऐसा वीडियो पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो हो सकता है एक रिव्यू वीडियो हो सकता है या फिर एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हो सकता है मान लीजिए कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है सपोज फिल्मो रहा है वो मुझे अगर कोई वीडियो बनवाएगा उसको अगर मुझे पैसा देना है ब्रांड प्रमोशन करना है तो हो सकता है मैं उसका एक घंटे का पूरा फिल्मोरा का ट्यूटोरियल भी बना के आपको बता दू वो भी एक स्पॉन्सर हो सकता है तो ये चीज तो क्लियर हो गई अब यहां पे बात आती है कि किस तरह के चैनल आपको खोलने चाहिए तो देखिए अगर आप एजुकेशन का चैनल बनाते हैं आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है कम मिलती है अगर आप ब्यूटी का प्रोडक्ट बनाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आपको स्पॉन्सिप ज्यादा मिलती है।, आप का है तो बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है अर्निंग का चैनल है आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है इवन अनबॉक्सिंग और ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंशियल ये ऐसे टॉपिक्स हैं इनकी लगभग लगभग हर वीडियो स्पॉन्सर होती है चैनल की ठीक है एक चीज यहां पे अगर आपको ये लगता है कि यार किसी को ज्यादा व्यूज आते हैं तो उसको का पैसा ज्यादा मिलता है किसी के कम तो कमाता है ऐसा नहीं है मान लीजिए एक चैनल है आपको मान लीजिए एक लाख सब्सक्राइबर है व्यूज आपको पांच आता है लेकिन आप बात करते हैं है तो है। एक, एक कई चैनल है जो सिर्फ एपल के बारे में बात करते हैं यानी अगर आपके चैनल पर ऐसा कुछ ऑडियंस है जो महंगे प्रोडक्ट परचेज करने के शौकीन है उनको महंगे प्रोडक्ट के बारे में देखना पसंद है तो सीधी सी बात है जो ब्रांड प्रमोशन आपसे करवाएगा वो कंपनी आपको पे भी ज्यादा करेगी कम व्यूज पर लेकिन आपका टॉपिक ऐसा मान लीजिए एक बंदा है जो ब्लॉगर है जो सिर्फ कभी गोवा का व्लोग बना रहा है कभी मुंबई का ब्लॉग बना रहा है कभी लक्षद्वीप का बना रहा है अब वो ब्लॉगर है अब एक इन्वेस्टमेंट ऐप अगर उसके पास जाएगी अपना इंटीग्रेशन कराएगी तो उसको पता है कि इसकी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर घूमने में इंटरेस्टेड है तो उसको पैसा कम मिलेगा भले उसके मिलियन व्यूज आते हो और एक मान लीजिए सेम मेरा चैनल है मेरा चैनल सिर्फ फाइनेंस का है मैं सिर्फ फाइनेंस की बात करता हूं तो मेरी ऑडियंस सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड है तो मेरे जो व्यूज है भले ही कम आते हो लेकिन उससे मुझे ज्यादा पैसा कंपनी देगी क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड होती है तो कभी भी ये नहीं है कि आपको ज्यादा व्यूज आते तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है एक चीज मैं पे क्लियर कर देता हूं स्पॉन्सरशिप लेने में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है सबसे पहले तो जब भी कोई मेला उसको चेक जरूर करें और मैंने बहुत सारे से वीडियो बनाए ऐसा ना हो मे लिफ है और आप लालच में आ जाओ और आपका चैनल हैक कर ले पहली बात तो ये है तो इसके लिए आप कोई एजेंसी भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे मैंने लिफ्ट किया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते, सकते, सकते। हैं लालच में आप मत पसना दूसरी बात यह है कि यहां पे जो स्पॉन्सरशिप होती है उसका एक तरीका यह कई बार आप क्या ऐसी जिससे आपका चैनल डिलीट हो सकता है आपके वीडियो डिलीट हो सकते हैं जैसे रमिंग है बैटिंग है गैमलिंग है है ना इस तरह की जो वीडियोस होते हैं वो आपको कभी भी अपने चल पर नहीं बनानी चाहिए आप क्या करते हैं कंपनी से पैसा ले लेते हैं लालच में वीडियो बना देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का सामना करना पड़ता है आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है और कंपनी की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं होती है बल्कि कंपनी ये और कहती है कि आपका वीडियो कैसे डिलीट हो गया हमने तो आपको पैसे दिए तो बेहतर यह होगा दूसरा आपका जो यूजर है जो आपका ऑडियंस है उनका एक्सपीरियंस भी खराब रहेगा तो आप ऐसी कंपनीज ना करें लालच में ना पड़े मेरे चैनल पर मैं कभी भी कोई रमी गैमलिंग कसीनो ये जो फालतू की ऐप है कोई ऐसी ऐप जिसमें मेरी ऑडियंस का पैसा लग रहा है और वो पैसा खराब हो सकता है यानी कि खत्म हो सकता है मैं ऐसा कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं करता हूं ठीक है मैं ऐसा ही ब्रांड प्रमोट करता हूं जिसमें आपका पैसा ना लग रहा हो सिंपल इन्वेस्टमेंट की ऐप आप जरूर प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि वो एक लैजिट चीज है और एक अच्छी चीज है स्टॉक मार्केट ठीक है जिसको समझ है उसके लिए बहुत अच्छी है तो एक तो ये चीज ध्यान रखें आपको लालच में नहीं फंसना है गलत ब्रांड को आपको प्रमोट नहीं करना है जितनी अच्छी अगर देखिए अगर आप गलत ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छे ब्रांड आने लग जाएंगे आपके चल की वैल्यू बढ़ जाएगी और अच्छे ब्रांड आपको ज्यादा पैसे देंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी तो अब आपको देखना है कि आपके चल को किस तरह के आपको वैल्यू देनी है आप उस पर किस तरह के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं किस तरह को नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? दूसरी बात अगर आपको स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ऐसा चैनल बनाइए जिसमें कुछ प्रोडक्टिविटी हो जैसे अनबॉक्सिंग का चैनल रहे वहां सिर्फ प्रोडक्ट की आप बात करते हैं नए नए प्रोडक्ट अनबॉक्स करेंगे तो जैसे शुरुआत में मान लीजिए आप खरीद के करेंगे लेकिन बाद में आपको प्रोडक्ट आने लग जाएंगे प्रोडक्ट भी देगी कंपनी पैसा भी देगी आप ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं फाइनेंस का स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं टैग का कर सकते हैं इस तरह में ज्यादा मिलता है लाइफ स्टाइल ब्रोगर को भी काफी ज्यादा जो है स्पॉन्सरशिप मिलती है आप लाइफ स्टाइल ब्रोगर बन सकते हैं आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी टूरिज्म कंपनी है जो आपको फ्री में घुमा देगी फ्री में घुमा देगी जी हाँ बिल्कुल और आपको पैसे भी देगी और उससे आप वीडियो भी बना सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ एडसेंस से जो भी इनकम होती है उससे बहुत ज्यादा इनकम स्पॉन्सरशिप से होती है अगर आप अपने चैनल की वैल्यू बना लेते हैं तो अब बात करते हैं कितने व्यूज का कितना पैसा तो यहां है डिपेंड करता है आपकी चैनल चैनल की वैल्यू क्या है है फिर भी अगर आपका एक नॉर्मल और अभी आपके मान लीजिए पचास हजार हुए हैं और आपको एवरेज व्यूज दस हजार आ जाता है एवरेज व्यूज का मतलब होता है लास्ट की जो सेवन वीडियो आपने डाली है उन पर टोटल लगभग कितना व्यूज आया मान लीजिए रिसेंट आपने सात वीडियो डाली दस व्यूज ग्यारह व्यूज के आसपास आया तो आप कंपनी से पंद्रह हजार रुपए की डिमांड आराम से कर सकते हैं मिनिमम पंद्रह हजार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ज्यादा भी मिल सकते हैं डिपेंड कंपनी में करता है बट इतने तो आपको मिल जाएंगे 15 तो आराम से मिल मिल जाएंगे एक डेडिकेटेड वीडियो का का इंटीग्रेशन आपको 10 भी सकता है लेकिन डिपेंड आपके चल की वैल्यू पे ही करेगा आई थिंक आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा फिक्स रेट फिक्स प्राइज ऐसी कोई चीज स्पॉन्सरशिप में नहीं होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगला वीडियो उस पर बना दूंगा ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद